नेक्स्ट आता है कि अगर वर्षा का जल बह जाने से व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है, ठीक है। अतः इसको बचाने के लिए जो वर्षा का जल है उसको हमको संग्रहण करने की आवश्यकता होती है, संग्रहण करने की ज़रूरत पड़ती है, हमको संग्रहित करके रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो स्रोत है वो सतही जल है, मतलब सरफेस वाटर है। तो जो वर्षा का जल होता है वो ज़मीन की सतह पर पहुंचकर जो सतही जल है उसका निर्माण करता है, जो सरफेस वाटर है उसका निर्माण करता है। प्लस जो आपका सरफेस वाटर है या सतही जल है वो तीन प्रकार का हो सकता है। पहला आता है आपका नदियों से प्राप्त जल होता है, दूसरा झीलों से प्राप्त होता है, और तीसरा टैंक से एकत्रित जल होता है। तो सबसे पहला है आपका नदियों से प्राप्त जल, ठीक है। तो वर्षा का जो जल होता है वो नदियों में मिलकर सतही जल का निर्माण करता है, ठीक है। भारत के ऐसे बहुत सारे शहर हैं जैसे कि आपका कोलकाता है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, ठीक है। इन सभी जगहों पर जो नदियाँ होती हैं वो प्रमुख स्रोत होती हैं, ठीक है। और नदियों के जल को लोगों द्वारा अगर प्रदूषित किया जा रहा है तो उसका जल हमारे पीने योग्य नहीं रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि नदियों के जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण जो हमारे कल कारखाने हैं, जो हमारे फैक्ट्रियां हैं, ठीक है। उन फैक्ट्रियों से जो निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी अगर नदी में हम बहा दे रहे हैं, या फिर जो भी मरे हुए जीव जंतु हैं उसको भी हम लोग नदियों में ही बहा दे रहे हैं, या फिर नदियों के जल का उपयोग हम लोग नहाने के लिए कर रहे हैं या फिर कपड़े धोने के लिए कर रहे हैं, तो भी वो जो जल है वो हमारे लिए पीने योग्य नहीं रहता है। दूसरा नंबर है आपका कि झीलों से प्राप्त जल। जो झीलों से प्राप्त हुआ जल है उसमें है कृत्रिम झीलों को सीमेंट द्वारा ऊंचे क्षेत्रों से में बनाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल झीलों का हम लोग निर्माण करते हैं सीमेंट के द्वारा। ऊंचे ऊंचे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जल का संग्रहण करते हैं, इसे कैटेचमेंट एरिया भी कहते हैं, ठीक है। फिर कैटेचमेंट एरिया जो है आपका वो होता क्या है, ठीक है। कैटेचमेंट एरिया वह एरिया होता है जहाँ पे हम लोग जल का उपयोग नहाने के लिए हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, नहाने के लिए, धोने के लिए नहीं करते हैं, और न ही उसके आसपास के क्षेत्रों में हम लोग पशुओं को चराने का काम करते हैं, ठीक है। जिसमें झीलों का जो पानी रहता है वो प्रदूषण से मुक्त रहता है, जिसको हम लोग पीने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। भारत के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे कि मद्रास है, नागपुर है, मुंबई है, इन सभी जगहों पे जो कृत्रिम झील होते हैं उसी जल का एक अच्छा स्रोत है और उसी का ही ज़्यादातर लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर आता है टैंक।